2023 के ऑटो एक्सपो में कारों से ज्यादा जलवा बसों का है, यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल्स का काफी कुछ यहाँ पर आपको दबदबा देखने को मिलेगा। जिस तरीके का यहाँ पर डिजाइन दिखाया गया, कॉन्सेप्ट दिखाया गया, इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, सीएनजी कॉन्सेप्ट, ये सीएनजी कॉन्सेप्ट है, अशोक लेलैंड की तरफ से आ रहा है, और एक सीएनजी फुल टैंक में, मतलब इसके जो 250 एचपी का पावर आउटपुट देगी गाड़ी, जो इसका इंजन है उसके साथ में जो ये कैरी करेगा, मतलब जो इसमें सीएनजी होगा उससे 1000 किलोमीटर की रेंज ये बस दे सकती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट जैसा नजर आ रहा है। अशोक लेलैंड के लोगों के साथ आपका स्वागत करेगा ऑटो एक्सपो में जब आएंगे, और यहां पर बहुत कुछ आपको अनोखा देखने को मिलने वाला है इस बस में। क्या है तो साइड से आपको दिखाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट हूबहू एग्जीक्यूट होता है तो कुछ इस तरीके की बस बन जाएगी, और ये बस आपको 100% अच्छी लगने वाली है। ऊंचाई आप देख सकते हैं, जहां से निकलेगी हर कोई इसे देख रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, जब वो फाइनल स्वरूप में आता है तो बहुत कुछ बदलाव हो जाते हैं, और बहुत सारे फ्लीट्स पर मैनेज डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं अपनी बस में, वो बदलाव देखने को उसमें मिलता है। तो ये अभी देखेंगे पूरा का पूरा सिर्फ यहाँ पर अशोक लेलैंड, और ये 13.5 सीएनजी स्लीपर, 38 स्लीपर सीट इसके अंदर लगाई गई हैं, उसको मैं आप दिखाऊंगा, आपको अंदर लेके चलूंगा और दिखाता हूं कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट बस में एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये फाइनल स्वरूप में आने वाला है, और 100% बहुत जल्दी आप इसमें ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन वो उसका अंदाज क्या होगा बाद में पता चलेगा। लेकिन 1000 किलोमीटर की रेंज का मतलब हो गया कि ये फायदे का सौदा होने वाला है उनके लिए जो इस बस को खरीद कर कमाई करना चाहते हैं। कि ये कॉन्सेप्ट अभी इन्होंने कॉन्सेप्ट प्रदर्शित किया है, बट मुझे लगता है कि ये सारे ऑप्शन हो गए जो सारे फ्लीट वाले जो बस खरीदेंगे अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, क्योंकि बसें क्या है लोग बनवाते हैं अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि कंपनी बना के बेच देती है। बट यहां पर प्रदर्शित किया है और ये आइडिया दे दिया है अशोक लेलैंड ने कि ये 1000 किलोमीटर एक टैंक, मतलब सीएनजी में 1000 किलोमीटर की रेंज देने वाली इस बस में जब स्लीपर कोच में आप बैठेंगे, अगर कुछ इस तरीके से बनता है तो कैसा आनंद आने वाला है तो दिखा देता हूं। तो ये अमित द्विवेदी पिछली बार में क्या किया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था जूता पहन के लेट गया, तो कोई बात नहीं, हमने जूते को उतार दिया है। देखिए बेसिक हाइजीन को हमने मेंटेन कर दिया, इधर किया है, और देखिए इसमें बैठना है तो इस तरफ से बैठना है, मतलब लेटना है तो आपको इधर से इस तरफ से लेटना है, और कुछ ऐसा आराम मिलने वाला है। तो यहाँ लेट कर बहुत कुछ याद आ सकता है, अफसाने याद आ सकते हैं, दो लोग लेट के आराम से अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। बड़ा विंडो एरिया दिया गया है, पर्दे वर्दे लगाए गए हैं, पिछली बार जो आप वीडियो देख रहे थे ना उसमें भी ये सब एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से वॉल्वो ने अपने बस में प्रदर्शित किया था उन चीज़ों को। और ये अशोक लेलैंड की बस है जहाँ पर आपको ट्रू लग्जरी मिलने वाली है, तो लाइटिंग का जो इस्तेमाल देखेंगे बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है, एसी वेंट वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं, सच में वाली लग्जरी आ जाए ना तो ऐसे बस में तो मैं कहीं भी चला जाऊँ, कोई भी चलाता रहे, अगर इसका सस्पेंशन वगैरह मस्त रहा ना तो इसमें बैठ के कहीं भी चला जाऊँगा। ये रही कुछ इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली, तो इस तरफ दो मिल जाएगा और इस साइड में आपको राइट हैंड पे वो एक स्लीपर का एक सीट का विकल्प मिलेगा, यानी कि एक आदमी यहाँ पर सो सकता है। इस पर भी बैठ के दिखाऊंगा कि किस तरीके की लग्जरी मिलती है। तो अभी क्या करता हूँ मैं ऊपर वाले पे चला जाता हूँ एक बार, क्योंकि भैया यहाँ पर ऊपर जाना है। तो ये देखिए सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, जैसे आप ट्रेन में चढ़ते हैं ना, चले आइए और यहाँ पर इस तरह से बैठिए, आइए या फिर लेट जाइए। और यहाँ पर ज़्यादा मुझे जगह मिल रही है, तो मतलब सेकंड फ्लोर पे आके मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये इसका सेकंड फ्लोर हो गया, और फर्स्ट पे अब एक जो कॉम्बिनेशन वाली सीट इसकी दी गई है वो कैसी है वो भी आपको दिखाता हूँ, फिर पूरे बस में दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये इसका एक सीट वाला, तो भैया सिंगल सीट वाले पे कैसे आपको सहूलियत मिलेगी, क्या मिलेगा वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेट जाऊँगा, और मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, अगर ऐसी बस आती है तो इस तरीके का ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर ये लग्जरी मिल जाती है, पर्दे वगैरह मिल जाते हैं, और लगेगा नीचे देख के कि ये सीएनजी बस है जो कि इतनी दूर की ट्रैवल करवा सकता है आपको। तो भैया अब लिए चलता हूँ आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड में, दिखाता हूँ कि ड्राइवर साइड में आपको क्या क्या फीचर्स इस बस में मिलते हैं, वहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया गया है, और इसके बाद में इस वीडियो को लेकर चलेंगे उस अंजाम पर जहाँ पर मैं उसे बोलता हूँ कि चलिए वीडियो खत्म करते हैं। तो सपोज करिए मैं ड्राइवर हूँ, तो ड्राइवर साहब को ऐसी सीट मिलेगी यहाँ पर, हालांकि ये कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ एक नॉर्मल एक स्क्रीन लगा दिया गया है जिससे लगे कि भैया यहाँ पर कुछ दिया गया है, और कुछ नहीं। इसका चासी पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन जो बॉडी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बाहर से, जो आपको मैंने अपने एक्सटीरियर में दिखाया है, वो बॉडी स्ट्रक्चर बदल सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि अगले साल, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेंज देने वाली कोई भी सीएनजी बस अभी बाजार में अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देगी अभी कंपनी वो भी पता नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो लग्जरी है वो नेक्स्ट लेवल ऑफर की गई है इसमें। अगर इसका 60% भी एग्जीक्यूट करके ले आती है कंपनी, तो मुझे लगता है लोग पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत होगी अशोक लेलैंड की तरफ से, जहाँ पर लोगों को वो लग्जरी मिलेगी जहाँ पर जय हिंद बोल उठेंगे।